तो दोस्तों क्या आप भी अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। ये प्रॉब्लम क्यों आती है दोस्तों? आपका नेट भी बराबर चलता रहता है सारी चीज़ें, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करते हैं चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेलीग्राम हमारा जो है वो ज्वाइन कर लेना है अनुराग कुशवाहा के नाम से। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बता दें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर के ऊपर ही क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है फोर्स स्टॉप का, इस पर आपको क्लिक करना है, इसका फोर्स स्टॉप क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर जाना है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है अपडेटेड, तो इसका आपको यहाँ से ऑन कर देना है दोस्तों, जिससे कि यहाँ पर आपका जब भी आपका जो है प्ले स्टोर अपडेट मांगेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो है प्ले स्टोर जो है अपडेट हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन अगर आपकी ऑफ है तो इसे ऑन कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इसका जो है क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पर देख लेना 2 GB 1 GB तो आपका एम बी नहीं हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कैच के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर इसका जो कैच है वो जीरो कर देना है। कर देने के बाद उसके परमिशन भी चेक कर लेना है। परमिशन में कॉन्टैक्ट लोकेशन फ़ोन पर और SMS और स्टोरेज ये चीज़ें आपकी अलाउ होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको कर लेना है। कर लेने के बाद उसको अपने फ़ोन को जो है एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कर लेने के बाद उसको यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर फुल्ली तरीके से यहाँ पर आपका प्ले स्टोर ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।